तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने लैपटॉप से मोबाइल में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अपने लैपटॉप को मोबाइल से कैसे कनेक्ट किया जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप को ऑन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जहाँ वाईफाई का ऑप्शन होता है उस वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे कनेक्टिविटी, जो भी हमारा वाईफाई कनेक्ट है वो हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे जो कनेक्ट है वो शो हो जाएगा हमारे लैपटॉप में, जो भी वाईफाई कनेक्ट किए हुए होंगे। हमने यहाँ पे देखा कि कनेक्टेड है। उसके बाद फिर से आपको यहीं सेटिंग पे जाना है, वाईफाई वाले पे। और यहाँ पे एक हॉटस्पॉट का ऑप्शन होता है, मोबाइल हॉटस्पॉट का। आपको सिंपल मोबाइल हॉटस्पॉट ऑप्शन को ओपन कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही मोबाइल हॉटस्पॉट ओपन कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल या अदर डिवाइसेस में यहाँ से हॉटस्पॉट जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसके द्वारा अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया है। अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे यूज करता है। ठीक है, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वाईफाई का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वाईफाई का ऑप्शन, हम उस वाईफाई वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। अब जैसे ही इनेबल हम यहाँ पे किए तो जो हमारा रहेगा डिवाइसेस, ठीक है, जो हमारा कनेक्ट करना है हमें लैपटॉप से, तो लैपटॉप का हमने नाम रखा है रॉय इन्फोटेक, और उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ कि वाईफाई कनेक्ट कर लेगा। अब इसमें हमारा तो वाईफाई कनेक्ट हो गया है रॉय इन्फोटेक के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंटरनेट चला कर चेक करते हैं कि यूज होता है कि नहीं होता है। अब आप यहाँ से गूगल खोल लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से गूगल सर्च कर लेते हैं, गूगल क्रोम हमने ओपन करा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि बाकी में ये यूज करता है या नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल से रिलेटेड निकल के आई। तो ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है लैपटॉप से इसमें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि लैपटॉप में आप जितने भी कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस को, वो सारा चीज़ें हॉटस्पॉट में शो होते रहेगा लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप में, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। हम अपने लैपटॉप वाले स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्ट दिखा रहा है। हमने यहाँ पे 8 का दे रखा है कि मैक्सिमम 8 ही कनेक्ट हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे रखा है, तो अभी एक कनेक्टेड है, एक शो हो रहा है इसमें, यानी कि एक कनेक्ट हो चुका है जो हमारा इस मोबाइल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप का, जो भी इंटरनेट कनेक्ट करना है मोबाइल में वो लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने लैपटॉप में जो भी इंटरनेट कनेक्शन है अपने लैपटॉप के थ्रू मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।